ये काकोई स्मारक है, ये वही जगह है जहाँ ट्रेन लूटी गई थी। अरे सभी हम लोग कहाँ पे हैं? ये हम लोग लखनऊ के काकोरी कस्बे में, जहाँ पर ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी कांड के नाम से मशहूर, बहुत ही मशहूर कांड हुआ था, जिसमें हमारे चार क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान और एक श्री चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि अपने आप उन्होंने गोली मार ली थी, उन लोगों को यहाँ पर उन्हीं लोगों ने मिलकर यहाँ पर ट्रेन को लूटा था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था पहले, यहाँ पर जी, जहाँ पर उन्होंने वो बक्सा जो था खजाने वाला, इसी तालाब में फेंक दिया था, पानी में फेंक दिया था जी, और बाद में उठाया होगा। उठाया होगा। ये देखिए, ये काफ़ी मिट्टी भर गई यहाँ पे, यहाँ बताते हैं तालाब था, और उसके बाद ये लूट हुई। देखिए पीछे, ठीक इसके पीछे मैं दिखाता हूँ पटरी है, वो देखिए रेलवे लाइन जा रही है। ये देखिए पेड़ के पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिस्गाइज में है, ये पेड़ के ठीक पीछे पटरी है। यहाँ लूट के अंजाम देने के बाद यहाँ तालाब था, एक तालाब में जो इसमें खजाना था वो यहाँ फेंका गया था, वो बाद में ले गए थे, बट यहाँ तालाब था ताकि वो छुपाने के लिए पानी में, ताकि वो कोई निकाल ना पावे। काफ़ी कुछ चीज़ें थी, काफ़ी प्लानिंग से आए थे वो लोग। और ऐसे ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग केस रहा ये जी, काफ़ी बड़ा केस था, और पूरे समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में ये कांड जो है, काकोरी कांड, मशहूर हो गया था। डॉक्टर साहब, ये उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी, और उनको बहुत ही मजबूती से, और कहते हैं कि इंग्लैंड से क्वीन विक्टोरिया का फरमान आया था कि तुरंत इनको पकड़ के फांसी दी जाए, इनको पकड़ के फांसी दी जाए। उसमें लगभग 50 लोग ट्रेन में सवार थे जी, इस ट्रेन को लूटने में, लेकिन मेन जो लोग थे वो कुछ ही लोग थे, जिनकी अभी हमने पीछे नाम लिया था, और वो लोग मेन थे जो जिन्होंने ट्रेन डकैती की थी, और वही मेन जो है क्रांतिकारी लोग थे जो हमारे इतिहास। अगर डॉक्टर साहब ये बाकी जितने भी अपने उस वक्त के सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे उस वक्त के, अगर सभी एक आवाज़ में बोले होते तो शायद कुछ इसका अंजाम कुछ और होता। नहीं, बोले तो थे लोग अपने अंजाम में, लेकिन चूंकि अंग्रेज लोग बहुत ताकतवर थे जी, और वो लोग जो है रहम नहीं करते थे मारने में, किसी भी तरह से सजा देने में, अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाता था जी, तो वो बहुत बुरी तरह से या तो उसको मार देते थे, फांसी दे देते थे, या उनके साथ बहुत ही यातनाएं दी जाती थी जी। तो उसमें खास करके जो बहादुर लोग थे, कुछ वही लोग सामने आते थे, बाकी लोग जो डर जाते थे वो इनके सामने नहीं आ पाते थे।